बोलेरो लेने के लिए इसलिए कभी नहीं सोचना पड़ता, मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है इको स्पोर्ट, जो कि भले ही कंपनी तो भाग गई है लेकिन गाड़ी अभी भी चल रही है और मेरे पास है बोलेरो। अभी देखना, इसको सोचना पड़ रहा है, सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी बहुत पत्थर गिट्टी पड़ी हुई है और ये निकलने में इतना टाइम ले रही है। अभी मैं दिखाऊंगा कि बोलेरो कैसे निकलती है। गो कुटिया ब्रज माही बनानी हमको। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि छोटे पहिए की गाड़ी ना लें, और बड़े पहिए की गाड़ी में भी लें तो बोलेरो स्कॉर्पियो ही लें, और ऑलवेज महिंद्रा के साथ जाएं।